हेलो भाई, अचीवनों का स्वागत है। और आज भाई मैं अपनी सेनिटो वैगनर की वॉशिंग करने वाला हूँ। जैसे कि आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये काफ़ी गंदी हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों मैं ना एक्चुअली ऑफ रोडिंग वीडियो बनाने वाला हूँ आगे, मतलब एक हफ्ते बाद एक ऑफ रोडिंग वीडियो आएगी सेनिटो इसकी, ठीक है। तो उस चक्कर में मतलब मैं शूटिंग कर रहा हूँ ना उसकी, तो उस चक्कर में गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही है। मैं उनमें से बहुत सारी सेनिटो मैं ऑफ रोडिंग के लिए ले रहा हूँ, उसमें से एक वैगनर भी ली थी मैंने, तो ये गंदी हो गई, तो इसको वॉशिंग करेंगे, ठीक है। बाकी और भी सेंटोज़ जो गंदी हो चुकी हैं, बट वो मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा, पहले मैं आपको वैगनर के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी गंदी हो चुकी है, तो आइए इसी वॉशिंग करते हैं। इंटीरियर में कोई गंदा नहीं हुआ, इंटीरियर बिल्कुल साफ़ है। मैं इंटीरियर भी गंदा होता है तो मैं इंटीरियर साफ़ कर लेता, बट इंटीरियर गंदा नहीं हुआ। तो सिर्फ ऊपर की जो बॉडी है कार की वो गंदी हुई है, तो उसको मैं खोल लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर से, देन फिर उसकी वॉशिंग करेंगे। तो भाई देख लीजिए, मैंने खोल ली है और इंटीरियर बिल्कुल गंदा नहीं है, साफ़ है। तो ये दोस्तों जो इसका स्क्रू है ना, ये छोटे वाले से नहीं खुलेगा, ये बड़े वाले से खुलेगा, ठीक है। तो अगर आपका वैगनर आप खोलना चाह रहे हो तो उसको बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर से खोलना है, छोटे वाले से नहीं खुलेगा ये। तो आइए इसकी वॉशिंग करते हैं। तो भाई हमने इसको वॉश कर लिया, ठीक है, और इसको हमने सोप से वॉश कर लिया है और पूरी तरह चमक चुकी है। अब इसको भाई क्या करना है, इसको हम क्लोथ से पोंछ लेंगे, ठीक है। तो भाई हमने इसको पोंछ लिया, अब हमने इस पर एक क्रीम लगा ली है। अगर आपके घर में कोई भी एक्सपायरी क्रीम है तो आप उसको लगा सकते हैं, एक्सपायरी फेस क्रीम, ठीक है, या फिर मॉइस्चराइजर। एक्सपायर होना चाहिए भाई, जो एक्सपायर नहीं हुआ उसको मत लगाना, ठीक है। तो इससे भाई क्या फ़ायदा होता है कि इसमें शाइनिंग आ जाती है कार पर, ठीक है, जो स्क्रैचेस लगे होंगे, जो जो फोम से नहीं मिट पाए, मतलब सोप से नहीं मिट पाए, वो इससे मिट जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पूरा पोंछ लेता हूँ मैं। तो भाई देख लो, मैंने पूरी तरह से पोंछ लिया है और आप लोग देख सकते हैं कितनी शाइनिंग आ चुकी है वैगनर पे, ठीक है। अगर आपको वॉश करनी है तो आपको एक बड़ा स्क्रू लेना पड़ेगा इसको खोलने के लिए। और कभी भी भाई जब गाड़ी पूरी तरह से मतलब असेंबल्ड हो तब वॉश मत करना, वरना जो शीशे होते हैं ना इसके वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा खोल के इसको वॉश करना, ये सही प्रॉपर वे है पूरा वॉशिंग करने का, ठीक है। और इंटीरियर मैंने इसका वॉश नहीं किया क्योंकि इंटीरियर साफ़ था, ठीक है। आप देख सकते हो पूरी साफ़ हो चुकी है, नीचे से भी देख सकते हो आप, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन मिल सके, एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज फॉर रेगुलर अपडेट्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।